मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को पेश करेंगी। बजट में किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए पहले ऐलान किए थे या पिछले बजट में जो ऐलान किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं। इन सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इसमें मध्य प्रदेश के में किसान कांग्रेस के बड़े नेता केदार सरोही जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक किसान नेता होने के नाते इस बजट को आप क्या उम्मीद है? देखिए, बजट में उम्मीद रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, पर जो पिछला इतिहास है मोदी सरकार का वो किसानों के प्रति सकारात्मक नहीं रहा है। जो वादे किए, जो सपने दिखाए, वो पूरे कहीं पर धरातल पे दिखे नहीं है। खैर, फिर भी हम इसमें उम्मीद रखते हैं। आज जो पूरे विश्व लेवल पर एक चर्चा हो रही है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, किसानों का परचेसिंग पावर खत्म हुआ, इसके कारण पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने लग रहा है। तो आज सबसे बड़ी आज हमारे को सोचने की जरूरत है कि हमारे लोगों का परचेसिंग पावर, किसानों का परचेसिंग पावर कैसे बढ़ाया जाए, उस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए दो रास्ते हमारे हैं। एक तो हम लोगों को कर्जा माफी की जो बात आ रही है देश में, कई संगठन लंबे समय से इसके ऊपर मांग कर रहे हैं, तो किसानों की कर्ज माफी सुनिश्चित करने की इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिस पर आज कोई बात नहीं कर रहा है देश, किसानों को भी जीने का हक है, खेत के अलावा भी उसका एक जीवन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बच्चों की दूसरी व्यवस्थाएं हैं, पक्का घर है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और खुशहाली का आयाम देने के लिए जो पैरामीटर पूरे करने चाहिए थे, उसकी ओर ध्यान देकर इनकम गारंटी पर आज देश को सोचने की जरूरत है। हमारा देश हर साल उत्पादन में बढ़ रहा है, 4-5% की एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की ग्रोथ आ रही है, पर आंकड़ों में उलझ कर खेती घाटे में जा रही है। किसान आज हमारा देश जो है एक विश्व गुरु है। सब कुछ होने के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश आज छोटी और मझोली खेती का देश भी है, छोटे किसानों का देश है, गरीबों का देश है, जहाँ पर कई समस्याएं हैं। तो आर्थिक उत्थान के लिए पहली बात है, आज KCC के माध्यम से जो किसान है वो 30-40% कवर हो रहे हैं, तो बाकी 60% किसानों को जो वास्तविकता में बहुत ही गरीब है, दूर दराज इलाकों तक है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बैंकों का और संस्थागत ऋण नहीं पहुँचा, उनको दिलाना है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि मोदी जी ने जो स्वर्णिम उनकी जो स्वर्ण काल योजना बताई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें बहुत बड़े देश में प्रश्न चिन्ह लगे हैं और 25-28% किसान उनमें लाभान्वित हुए हैं, बाकी किसान छूट गए। तो उनके लिए हमारे को आज सोचने की ज़रूरत है। ईनाम जैसी पो लेके वो आए थे, वो आज फेल्यूर दिशा में चली गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड पर हमको वापस बात करने की जाने, भारत में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारा बिल पावर है, तो कॉरपोरेट से लड़ने के लिए हमें कॉपरेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, पर इसके लिए मोदी जी को पत्थर रखना पड़ेगा सीने पे, क्योंकि वो प्राइवेटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कॉरपोरेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, परंतु भारत की कृषि को बचाने के लिए आपको कॉपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO जैसे मॉडल को प्रमोट करना पड़ेगा, तो हमारे किसानों का स्थिति है वो सुधरेगा। और इस बजट में एक स्पेशल दरखास्त करूंगा, खेती बचाना है तो क्वालिटी इनपुट के लिए सरकार ने काम करना पड़ेगा। आज भारत में डुप्लीकेट इनपुट मिल रहा है, अच्छे खाद बीज नहीं है, उन पर विशेष करने की ज़रूरत है। और इसके साथ जो मुझे लगता है कि कृषि में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, तो दो चीज़ों पर विशेष फोकस करके एक्स्ट्रा बजट निकालना पड़ेगा। सभी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो एजुकेशन सेंटर है, उन पर आपको बजट दुगना करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी को आज हमको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ट्रैक्टराइजेशन, मैकेनाइजेशन के आगे एक टेक्नोलॉजी है जो कई सेक्टर में काम करी, उस टेक्नोलॉजी को हम लोगों को कमिटमेंट के साथ, आय दुगनी वाला नहीं, कमिटमेंट के साथ में हमको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं जो किसानों के लिए ज़रूरतमंद है और वो करने की। ये देखा जाता है कि कृषि कॉरिडोर टाइप का कुछ कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि हर बार होती है कि फसल होती है, पैदा होती है, ख़राब हो जाती है, बाद में उसके भाव बढ़ जाते हैं। जैसे प्याज, हर बार प्याज होता है, प्याज सस्ते दामों में बिकता है, लेकिन बाद में वो बहुत 200 रुपए किलो तक प्याज होता है। तो क्या एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरे देश में एक कोई कृषि कॉरिडोर जैसी बातें भी आनी चाहिए बजट में? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, ये देश को जानने के लिए इस पर सोचना चाहिए। इसका मैं और थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूँ। आज देश में गेहूँ बम्पर स्टॉक पे है, आप हम जानते हैं,
30-35 मिलियन टन हमारे पास गेहूं है, इतना ही हमारे पास धान रखा हुआ, मतलब एक साल हम खा सकते हैं। दूसरा, हम अफ्रीका को फ्री में देने की बात कर रहे हैं, उसी के आगे इस साल जो 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन है उसमें से हमने 3.5 लाख हेक्टेयर में गेहूं पैदा किया। तो ऐसी सिचुएशन ना, इसके लिए हमको पहले अच्छा डेटाबेस तैयार करने की ज़रूरत है। डेटाबेस के साथ में हमको फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, सिर्फ प्रोडक्शन करना एक हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उसके आगे आप जैसा कह रहे हैं कॉरिडोर होना चाहिए, स्पेशल फूड पार्क बनने चाहिए, प्रोसेसिंग हब होने चाहिए। और देश में जो ये खेती का आंकड़ा है, जो रियल टाइम आंकड़ा सामने आना चाहिए, किसानों को एडवाइजरी, इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि आज आपके माध्यम से मुझे पूरा देश देख रहा, तो क्यों ना इन टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग खेती में करें और ऐसी डाइवर्सिफाई फार्मिंग कराएं जिससे मिनिमम लॉस हो, मैक्सिमम आउटपुट आए, प्रोडक्शन अच्छा मिले और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधार हो। क्योंकि जब तक आप कोल्ड स्टोरेज पे जाओगे नहीं, जो देखिए हमारा जो खेती है वो प्रकृति और जलवायु के आधार पर है, हर फसल का एक पीरियड होता है उसी में पैदा होती है, तो हर मैक्सिमम हमारी क्रॉप की जो उम्र है वो 130-135 दिन है, कपास की 160-170 दिन, बाकी दिन हम लोगों को उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो हमको इन चीज़ों का गैप भरने के लिए कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और स्पेशल जो जोन है वो बनाने पड़ेंगे, रेलवे में हम लोगों को एग्रीकल्चर का जगह देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि टाइम कनेक्टिविटी का है कि एक रात में दिल्ली का माल मुंबई पहुंच जाए, मुंबई का माल दिल्ली पहुंच जाए। किसानों के लिए हम खेत तक मजबूत हो गए, अब हमें खेत से उपभोक्ता तक जाने की ज़रूरत है। तो उपभोक्ता वाला जो बीच का दूरी तय है हमारे पास में, उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह की योजनाओं पर विशेष फोकस देने की ज़रूरत है। सर आखिरी सवाल है आपका, खेती लाभ का धंधा पिछले 3 दशक से बात हो रही है, अब क्या वो समय आ गया है कि इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा और इस बजट में कुछ बड़े ऐलान करने पड़ेंगे? देखिए बिल्कुल, यह मोदी सरकार की जो कमिटमेंट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यूँ कह लीजिए उनकी इज्जत दाव पे लगी है। अगर इस बजट में उनने आय दुगनी करने के लिए कोई कड़े या बड़े फैसले नहीं लिए या स्पेशल पैकेज खेती को नहीं दिया, तो उनका जो ये नारा था वो पूरा फेल हो जाएगा। वैसे फेल तो अभी तक है, कोई हमारे को उसका रोड मैप आज तक नहीं मिला है। जब तक आपके पास रोड मैप नहीं है, आपका टारगेटेड ग्रुप नहीं है, आपकी वर्किंग प्रोसेस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई कॉन्सेप्ट सक्सेस हो जाएगा। पर अभी आखिरी चांस है मोदी जी के पास कि जो उनने कमिटमेंट देश के साथ किया था, जिस पे देश ने भरोसा किया, अब उनको किसानों के लिए खरा उतरने का ये समय है और उतरना चाहिए। तो ये थे केदार सिरोही, ये भले ही विपक्ष के नेता हों लेकिन उससे पहले ये किसानों के नेता हैं और इस कारण इनको भरोसा है कि मोदी सरकार इस बार किसानों के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेगी। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।